भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अहम योगदान निभाने वाले जोगिंदर शर्मा इस समय काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जोगिंदर शर्मा ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उनके पिता कैंसर से जूझ रहे हैं। भारत के इस पूर्व ऑलराउंडर ने अपने पिता ओम प्रकाश शर्मा के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मैं जानता हूं कि मेरे पिता हम सभी से मजबूत हैं, जल्द ठीक हो जाइए बाऊजी। अगर जोगिंदर शर्मा की बात करें तो साल 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है। मिसबा उल हक ने जिस गेंदबाज के खिलाफ स्कूप शॉट खेला था वो जोगिंदर सिंह ही थे। जोगिंदर ने भारत के लिए 4 वनडे और 4 T20 मैच खेले हैं। 4 वनडे मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया है तो 4 T20 मैच में उनके नाम 4 विकेट दर्ज है। इसके अलावा जोगिंदर ने IPL में भी हिस्सा लिया है। इस खिलाड़ी ने IPL के 16 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। भले ही जोगिंदर के ये आंकड़े आपको अच्छे नहीं लगे लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड्स जबरदस्त हैं। 77 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 297 विकेट लेने के अलावा 2804 रन भी बनाए हैं। वहीं 80 लिस्ट ए करियर में उनके नाम 115 विकेट दर्ज है। यही नहीं उन्होंने 1080 रन भी बनाए हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वह कितने अच्छे क्रिकेटर थे। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था जहां पाकिस्तान का आखिरी विकेट लेकर उन्होंने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। आखिरी ओवर में उनकी गेंदबाजी को कोई भारतीय फैंस नहीं भूल सकता क्योंकि वहां से पूरा भारतीय क्रिकेट बदल गया था। इस समय वह हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जोगिंदर शर्मा के पिता जल्द से ठीक हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।